इंदौर नगर निगम की गुंडागर्दी लगातार जारी है। निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अब प्रेस की आजादी पर हमला किया है। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे नगर निगम के लगभग 50 कर्मचारियों और अधिकारी निजी अखबार के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एबी रोड स्थित कार्यालय में जबरन घुस गए। निगम कर्मचारियों द्वारा अखबार के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। अखबार के कर्मचारियों ने जब निगम की इस गुंडागर्दी का विरोध किया तो निगम कर्मचारियों व अधिकारियों ने अखबार के स्टाफ के साथ मारपीट भी की। गौरतलब है कि अखबार द्वारा नगर निगम द्वारा की जा रही गुंडागर्दी के विरोध में लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। शायद इसी से बौखला कर इंदौर नगर निगम ने उक्त शर्मनाक हरकत को अंजाम दे डाला है। निगम की यह शर्मनाक हरकत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। इस समय थाना MIG पर प्रेस और निगम कर्मचारियों का हुजूम लगा हुआ है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जिसमें एडिशनल SP एवं पुलिस अधीक्षक थाने पर मौजूद है और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है। जहां निगम कर्मचारियों ने थाने के सामने ही गाड़ियों की लाइन लगा दी है, वहीं पत्रकार साथी थाने पर मौजूद हैं। गौरतलब है कि निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी इन दिनों शहर में चरम पर है। मास्क नहीं पहनने पर या ठीक से नहीं पहनने पर चालानी कार्यवाही का प्रावधान है, लेकिन निगम गुंडागर्दी करने पर और गाली गलौज करने से पीछे नहीं हटती। पिछले कई दिनों से निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी के वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आ रहे हैं। जहां पूर्व में पुलिसकर्मी से विवाद में पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करते हुए कार्यवाही की थी, लेकिन प्रेस पर हुए इस हमले पर पुलिस का रवैया भी ढीला है। कहाँ पे तोड़फोड़ करी है? कौन सा ये? हाँ? ये तो बाहर भी तोड़े ना, दो तरफ से आई थी। कुछ लोग उधर से उतरे, कुछ लोग इधर से आए नहीं, और इधर से ये दरवाजे के तोड़ते ही हुए इधर से। तो काय के लिए आए थे? ऊपर तोड़फोड़ करने आए? ऊपर कुछ बोला उन्होंने, कुछ बताया? नहीं, कुछ रूम से तो खाली बोर्ड का अपन नोटिस मांगे कि भाई ये बोर्ड ले जा रहे हो खुलासा फाइल का, इसके नोटिस दे तो आप ले जाओ लीगली। फिर इधर से आए, कुछ लोग इधर से उतरे गए, अपन ये तोड़ते हुए इधर से निकल गए। कहाँ पे तोड़फोड़ करी है? कौन सा ये? हाँ? ये तो बाहर भी तोड़े ना, दो तरफ से आई थी। कुछ लोग उधर से उतरे, कुछ लोग इधर से आए नहीं, और इधर से ये दरवाजे के तोड़ते ही हुए इधर से। तो काय के लिए आए थे? ऊपर तोड़फोड़ करने आए? ऊपर कुछ बोला उन्होंने, कुछ बताया? नहीं, कुछ रूम से तो खाली बोर्ड का अपन नोटिस मांगे कि भाई ये बोर्ड ले जा रहे हो खुलासा फाइल का, इसके नोटिस दे तो आप ले जाओ लीगली। फिर इधर से आए, कुछ लोग इधर से उतरे गए, अपन ये तोड़ते हुए इधर से निकल गए। क्या हुआ, क्या था तुम्हारे साथ? अरे पांच पांच आदमी। हाँ 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 हाँ, हुआ क्या था? हाँ, ये निगम कर्मी आए मेरे पास में, वहाँ ऊपर वो खुलासा का बोर्ड तोड़ रहे थे। हाथ हटा दो यार। हाँ, एक वो भी थाने से। अच्छा, हाँ
तो मैं उनसे जो है जब ये तोड़ने लगे मैं ऊपर भाग के गया नीचे से, तो इनसे अपन जो है फिर नोटिस मांगा मैं, मुझे जो है इसका नोटिस दे दो, उसके बाद आप भले ले जा सकते हो। वो बोले मेरे पास कोई नोटिस वोटिस नहीं है, नीचे साहब बैठे हैं जाके उनसे बात करो। तो मैं बोर्ड में हाथ लगा लिया भाई मैं नहीं ले जाने दूंगा बगैर नोटिस को। ये मेरे साथ 5-6 आदमी जो है छीना झपटी के लट्टी लटकती है और मेरी बंदूक एक जगह गिरी, मेरे बंदूक में भी स्क्रैच आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोग जब उनका वीडियो बनाया सब कुछ, मतलब इतना तेजी से भागे एकदम। कितने जने थे लगभग निगम वाले? अरे कम से कम 35 आदमी थे। 35 आदमी काहे के लिए आए थे, क्या करने आए थे? वो ऊपर का खुलासा का जो बोर्ड तोड़ने के लिए। आपका नाम क्या? भूपेंद्र सिंह सेंगर। रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।